ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ಒಳಗೆ ಭಾಳ ನುಕ್ಸಾನಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ತೆಗ್ದ ಪಂಚಮ ಶಾಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಣ ಸಂಬಂಧ ಸಮರ್ಥ ನಮ್ಮ ಅವ್ರೋ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಓಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀ ಇದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀ ಒಕ್ಕೀಲ್ಗಾರ್ದ ಲಿಂಗಾಣಿ ಸಮಾಜದ ಅವ್ರದ್ದು ಓಟ್ ತಗೋಳ ಸಂಬಂಧ

हमारा रिजर्वेशन निकाल करके उनको दी है ये हमारे आपस में जो हमारे जो भाईचारा है इसमें झगड़ा लगाने का काम करिए और जो है वक्कलगर समाज का और पंचमसरी समाज का उनका दिल जीत कर वोट हासिल करने का काम की है ये बहुत घटिया सोच की सरकार है इसके लिए जो है ये हमारे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और हमारे बच्चों का फ्यूचर में आने वाले दिन में जो है हमारे बच्चों का फ्यूचर का बहुत नुकसान होने वाला है एजुकेशन में जो है हमारे कोटे को घटाया गया है हमारे टोटली जो है हमारे को जीरो कर दिया गया और जो है हमारे को जो नौकरियों में जो चार परसेंट का जो इजाफा था उसमें भी जो है हमारे को जीरो कर दिया गया तो हम कब तक अभी इसका गवर्नमेंट का ये बीजेपी का जो है कब तक एजेंडे को हम बर्दाश्त करते रहेंगे इसी तरह से जो है कल से जो है हम लोग एक सोशल वर्कर को थोड़े चंद सोशल वर्कर को और चौदह कारपोरेटर को फ़ोन लगा करके बोल के उनको बुलाया गया था वो किसी मशरूफियत की वजह से नहीं आ सके ठीक है खैर जितने लोग थे उतने लोग मिलकर जो है हम डीसी साहब को मेमोरेंडम दिए हैं तो मेमोरेंडम देने से ये हमारा काम बनने वाला नहीं है अगर अपने बच्चों का फ्यूचर या अपने जो अभी जो स्कॉलरशिप मिलती थी वो स्कॉलरशिप भी बंद हो गई है गवर्नमेंट का जो है फोर परसेंट मुसलमानों के लिए बच्चों की जो सीट मिलती थी वो भी नहीं मिलने वाली हमारे को ऐसा हो कि करोड़ों में जो फंड आता था अब वो भी फंड भी नहीं आने वाला है तो ये हमारा गरीब तबके का जो है बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है इसके लिए जो है मैं मेरे सारे जवान भाइयों से और मेरे लीडरान से मेरे कारपोरेटर से और मेरे मोहल्ले के जमात वालों से मैं अजीजाना दरख्वास्त करता हूँ कि जो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अभी तो कम से कम जाग कर जो है हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए जो है एक गवर्नमेंट पर जो है प्रेशर लाने के लिए एक धरने का जो है इरादा किए हैं जिसमें हमारे कॉरपोरेटर शाहिद पठान साहब हैं और हमारे जो ऐब शमशेर हैं और इमरान तपकी हैं ऐसा हमारे सारे बहुत सारे साथी भी हैं तो इसके लिए जो है कल सुबह जो है दस बजे से जो है ईदगाह मैदान के अंदर जो है धरने पर बैठने का जो है हम इरादा किए हैं तो हम मेरे सब से दरख्वास्त है कि आप सब लोग जो है अपने बच्चों की फ्यूचर के लिए हमारे से आकर जुड़ो और हम सब एक बनकर अपनी ताकत को बताकर जो है कि हमारे जो चार परसेंट जो माइनस किए गए हैं उसको वापस से हम हासिल करने की कोशिश करेंगे ये मेरी दरख्वास्त है असलकुम कर्नाटक में बहुत सारे जात है तो हर जात का एक उनका जो है रजिस्टर परसेंटेज वाला रिज़र्वेशन है उसी तरह मुसलमानों के लिए जो है चार परसेंट था उसमें भी हम लोग नाखुश थे फिर भी चल रहे थे अब वो भी जो है मुसलमान के जो दुश्मन हैं हमारे कौम दुश्मन जो हमारे बच्चों के जो तालीम में तरक्की हो रही है और हमारे जो बेरोजगारों को रोज़गार मिल रहा है या ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए ये जो रिज़र्वेशन चार परसेंट था उसको भी ख़त्म किया गया है इसलिए आज हम सब एक होकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और इस जो चार पर्सेंट था उस चार पर्सेंट को बाकी रखने के लिए हम एक होकर जो है एहतजा करेंगे सब मिलकर पूरे दुनिया को और पूरे ईमान वालों को मैसेज देंगे इसलिए हमारे जिम्मेदार हजी से मेरी गुजारिश है कि हर जमात वाले नौजवान नौजवान और जो है हमारे खातिन तमाम साथ देकर इसको हम इत्तेजाज को कामयाब करने की कोशिश करेंगे मैं आपसे यही अर्ज अपील और एक बार कर रहा हूँ कि तमाम इस आज जागे वरना जो है बड़ा पछताव होगा अभी जैसे कि हमारे फजल भाई ने बताया कि 300 सीटें मेडिकल की ये मामूली बात नहीं कि हमारे 300 बच्चे आपके बच्चे हमारे बच्चे कौम के बच्चे डॉक्टर होने से महरूम हो रहे हैं इंजीनियर होने से महरूम हो रहे हैं गरीब जो है जो मेहनत मजदूरी कर कर ऑटो रिक्शा टैक्सी जो माइनॉर्टी फंड में मिलकर लेकर रोजी करने वाले थे उन तमाम का यहाँ पे जो है यहाँ यहाँ गिराने का और तकलीफ देने का काम है इसलिए जागे आज जागने का वक्त है सब इन शाह में साथ दे सब मिलेंगे और गौर फिक्र करेंगे इसको कामयाब करने की कोशिश करेंगे बीजेपी सरकार ने ये जो मुस्लिम रिजर्वेशन को घटाया है ये बहुत घटिया काम किया है जो मुसलमान जो ऑलरेडी पिछड़ा है हर फील्ड में पीछे है फिर से यही सरकार इनका काम ये है कि फिर से मुसलमानों को पीछे डालना चाहते हैं वो एजुकेशन की लाइन हो या बिजनेस की लाइन हो या पॉलिटिकल लाइफ हो तो सभी ज़िम्मेदारों ने यहाँ पर तय पाया है कि कल मंगलवार के दिन सुबह दस बजे से प्रोटेस्ट किया जाएगा मेरे बेलगाम के सभी आवाम से गुजारिश है कि मसलक को अपने लीडरान को अपने पार्टियों को अलग रखे अलीहदा करें और एक होकर आए और हम हमारा जो असल तरीक़ा है हक हक को हमें कैसे लेना है वो देखना है बीजेपी हो या कोई और सरकार हो रिजर्वेशन हमारा कोई नहीं ले सकता इसकी लड़ाई हमें कल से लड़ना है जैसे कि सभी अभी हमारे बाकी के साथियों ने कहा है कल से यहाँ पर प्रोटेस्ट होगा हमें सभी भाइयों बहनों माँ बहन और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं जितने भी एम इंटरेस्टेड लोग हैं भी जितने भी हमारे उलमा हैं बेलगाम के सभी से गुजारिश करते हैं कि अपनी पार्टियाँ अपने मसलक को एक बार साइड में रख कर आकर आवाम के लिए लड़ें मुसलमानों के लिए लड़ें सिर्फ़ इलेक्शन में ही लड़ना इलेक्शन में ही आकर बोलना इलेक्शन में ही स्पीच देना नहीं होता बहुत से मसले हैं मुसलमानों के आज कोई बोलने वाला है नहीं बहुत सिलेक्टेड लोग बोल रहे हैं पूरे इंडिया में आप जानते हैं तो एक हमें एक एग्ज़ाम्पल बैठाना चाहिए बेलगाम से एक एहत कर 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 किस तरह से हमें यहाँ पर प्रोटेस्ट करना चाहिए तो मेरी सभी से गुजारिश है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ जुड़ें और एक बड़े प्रोटेस्ट की शक्ल में हम डीसी के पास जाएंगे इंशाल्लाह